नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर वैष्णव। आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। आपके लिए बहुत ही कमाल की लेके आया हूँ रियलमी U1 की आपके लिए अनबॉक्सिंग। क्या है कमाल बातें, क्या है जैसी बातें, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, क्या है इसके अंदर, सेल्फी कैमरे के अंदर क्या है कमाल बातें, क्या है सेल्फी कैमरे के लिए। तो देखते हैं इस बॉक्सिंग करते हैं इस वीडियो की और इसकी U1 की क्या है कमाल बातें निकलती इस फोन के अंदर, क्या क्या बॉक्स कॉन्टेंट्स है। तो और आपके लिए चार फोन पड़े हैं तो आपको पता ही होगा क्या होगा ये चार फोन। नहीं पता तो बता दूं, बहुत ही कमाल का सरप्राइज है। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। और थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो का सपोर्ट करने के लिए, और इतनी सारा वीडियो का सपोर्ट कीजिए और चैनल। तो दोस्तों अपने पास है रियलमी U1, सबसे ऊपर दिया हुआ है रियलमी U1, रियलमी का मार्क है। और कलर बॉक्स कुछ अलग दिया है, कुछ डिफरेंट दिया है कलर रियलमी U1। अब मेरे पास जो अवेलेबल है 3GB रैम और 32GB और है, सबसे हाईलाइट है इसके अंदर 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। और प्राइस की बात की जाए तो 12999 13000 रुपये की प्राइस है। और क्या बात है, करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या है कमाल बातें, क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर, तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है अनबॉक्सिंग अपनी रियलमी U1 की, सबसे ऊपर मार्क लिखा हुआ है रियलमी U1, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे पहले मिलता है अपने सिम हब अडैप्टर कि आप सिम डाल सकते हो। और केस मिलता है एक छोटा सा कि आप मोबाइल के पीछे उसको लगा सकते हो, छोटा सा केस है मोबाइल सेफ्टी के लिए, तो अच्छी बात है ये देने के लिए। और अपने पास जो कलर है वो है ब्लैक, सॉरी दोस्तों मैंने पढ़ा नहीं, ब्लैक कलर अपने पास है। और फ़ोन का लुक तो बहुत ही अच्छा है। तो बॉक्स कॉन्टेक्ट की बात की जाए तो आता है यू चार्जर रियलमी का ब्रांड का। तो सबसे ऊपर हाईलाइट जो दिया हुआ है 2.4 Mbps गीगाहर्ट्ज़ से ये चार्ज करेगा, थोड़ा फास्ट चार्ज होगा। और अच्छी बात है कि इसके अंदर दिया हुआ है 3x00 का पिन दिया हुआ, और कुछ इमेजिंग है नहीं, बॉक्स कॉन्टेक्ट कुछ खास है नहीं। मोबाइल की बात करते हैं जो आता है 25 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ। तो दोस्तों ये है अपने पास फ़ोन, इसको ब्रांडिंग हटा देते हैं इसके ऊपर से। अपने पास है ब्लैक मैकिन है कि कलर बॉक्स कुछ अलग लग रहा है मैकिन ब्लैकर। और ये है 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे की बात की जाए, छोटी सी नॉच में आता है ये फ़ोन, फुल डिस्प्ले आता है 13 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल अपने रहता है रियल कैमरे, ड्यूल कैमरे, और मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो दोस्तों इसको करते हैं जल्दी से ओपन। रियलमी की मिली है ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी बात है। और रियलमी का ब्रांड अच्छे चल रहा है मार्केट में, नंबर वन है अभी डेट में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कमाल की इसकी परफॉर्मेंस है, अच्छे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बेहतर बात दी जा रही है वो आती है 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और ये आता है, और सबसे कमाल बात है इसके अंदर आता है मीडियाटेक का P710 का प्रोसेसर, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे लेटेस्ट है फ़ोन ये हीलिया मीडियाटेक P70 के अंदर, ये बहुत अच्छा फ़ोन है क्योंकि ये पहला फ़ोन है मीडियाटेक के में आता है हीलियो P70 10 का वर्ज़न। तो फ़ोन है बहुत कमाल फ़ोन हो गया है। ओपन करते हैं इसके अंदर कैमरा टेस्टिंग बहुत सारी, तो अच्छी बात है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोसेसर दिया हुआ है इसके अंदर आपको मिलता है, बहुत ही अच्छी बात, फुल डिस्प्ले के साथ मिलता है। और 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है इसके अंदर, और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है कमाल बातें है। और इसके अंदर मिलता है गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन, तो ये बस डिस्प्ले बहुत अच्छी बात है। 3500 mAh की बैटरी मिलती है, बड़ी बैटरी है तो ये भी और ये अच्छी बात है। और प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, मीडियाटेक का P710 प्रोसेसर, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो क्या है सबसे अच्छा है रियलमी U1, इसकी जो एंड्रॉयड वर्जन आता है 8.10 का वर्जन आता है, 3GB रैम, 32GB। और ब्रांडिंग की बात की जाए तो आता है कोरकॉम 1750 का इसके अंदर प्रोसेसर आता है। और पुल ड्रॉप यहाँ पे आप लगा सकते हो अपनी सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, और ये आता है वॉइस बटन, और ये आता है बन का, और डॉल्बी साउंड दिया हुआ है, 3.0 जैक इसका MS दिया हुआ है, और बहुत सारी कमाल बातें। सबसे अपने हाईलाइट है वो है सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा इसका टेस्ट कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर देखते हैं खास बातें। और यार बहुत अच्छी बात है कि इतना कम प्राइस में 13000 रुपये में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे, तो ब्रांडिंग भी अच्छी है, फ़ोन का लुक भी अच्छा है, देखते हैं कैमरा टेस्टिंग। अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरा करते हैं इसके, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स इसकी मैंने अपलोड देखी है, फ़ोन की फ़ोटो ली है बहुत सारी, और मैंने इसके बारे में बहुत सारा सुना है कि इसका जो बैक कैमरा है बहुत ही ख़राब है, अच्छा नहीं है।
मगर मैंने कुछ पिक क्लिक की है तो बहुत ही कमाल की इसके अंदर फोटो आती है, बैक कैमरे की और सेल्फी कैमरे की। ये सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल नॉइस के साथ आता है तो बहुत ही कमाल सेल्फी की अपने आती है। और ये भी अच्छी फोटो है, पिक भी बहुत ही अच्छी आई है, कमाल पिक आई है। और ये भी बहुत अच्छी पिक है साहब, दोस्तों यार अच्छा है। 25 मेगापिक्सल की है सेल्फी कैमरे में, बहुत कमाल फ़ोन है, पिक बहुत कमाल की इसके अपलोड करता है। ये देखो ब्लर के साथ भी फोटो है इसके अंदर, तो ये दोस्तों ब्लर है, ब्लर के साथ पीछे पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। और ये है कमाल बात इसके अंदर, तो अच्छी बात है कि 25 मेगा सेल्फी कैमरा फोटो बहुत रियल आती है दोस्तों। अच्छी फ़ोन है, बेहतर फ़ोन है इस प्राइस के अंदर, और बहुत सारी कमाल की पिक्चर्स इसके अंदर अपलोड होती है। ये देख लो ये बैक कैमरा, मैंने सुना था कि बैक कैमरा इसका बहुत ख़राब है, मगर मैंने कुछ टेस्टिंग की है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए तो बहुत अच्छा कैमरा है। 13 मेगापिक्सल ड्यूल रिसर्च कैमरे की बात की जाए तो बहुत कमाल है, और सेल्फी कैमरा भी अच्छी बात है, और रियल पीसेज कैमरा भी बहुत कमाल है दोस्तों। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो नंबर वन फ़ोन है इस प्राइस के अंदर, और कमाल बातें। ये मैंने कुछ और फोटोज़ क्लिक किए हैं, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखो फोटो तो अच्छी है। ये देख लो आप बैक कैमरे की बात, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन आता है फ़ोन, और बहुत ही कमाल फ़ोन है ये। तो दोस्तों बस वीडियो में बहुत इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं, और वीडियो शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये चार फोन कोई भी जी सकता है, कैसे जी सकता है। ठीक 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A9 का रिजल्ट आ गया है उसके बारे में डिटेल और मैं बता दूंगा। और इसी वीडियो में और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या चाहते हैं इस मोबाइल के अंदर, और किस तरह इसका गिवअवे चाहते हो आप, किस तरह मोबाइल जीत पाए लोग। ठीक 10 दिन बाद इसका रिजल्ट क्या होगा और कौन कौन जीत पाया उसका मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं कि लेटेस्ट अपडेट आने वाला है इसी तरह, और अनबॉक्सिंग, बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स। इस फोन को जीतना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मोबाइल आपको क्या लगा, कुछ भी एक कमेंट कर लीजिए, और वीडियो इतना शेयर कीजिए कि और बहुत सारे लोग जुड़ जाए। और आपका थैंक यू सो मच, 1000 सब्सक्राइब पूरे होने पर आपको सभी को मेरे थैंक यू सो मच, आप वीडियो शेयर किया, आप सपोर्ट आया आप लोगों का, और इसी तरह वीडियो शेयर करते रहिए, और बहुत सारे आपको गिव अवे और बहुत सारे कॉन्टेक्ट आने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी A9 कौन जीत पाया है इसी वीडियो में लास्ट में मैं बता दूंगा, वो भी जीत गया है और वो जीता है, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे उसका ईमेल आईडी सेंड कर लीजिए, मैं उसके बारे में और डिटेल आपको पूरा दे दूंगा ईमेल के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गया है अपना अनबॉक्सिंग चार फोनों का, वीडियो पसंद आया तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और आप में से किसी भी 4 यूजर्स ये फ़ोन जी सकते हैं, कमेंट बॉक्स करना न भूलिए, और जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों ये है कमेंट पिकअप के लिए सबसे फार्मूला ये यूट्यूब का, तो मैं करता हूँ इसको कॉपी मेरे लिंक को, सैमसंग गैलेक्सी A9 कौन जीता है, सैमसंग गैलेक्सी A9 देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। सॉरी दोस्तों लिंक कॉपी नहीं हुआ, ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, तो ये करते हैं इसको क्लिक, ये आता है सैमसंग गैलेक्सी A9 का अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने वीडियो बनाया था तो 45 कमेंट आए हुए थे, तो कौन जीता है सैमसंग गैलेक्सी A9 करते हैं पिकअप। सबसे पहले नाम आएगा वही जीता है सैमसंग गैलेक्सी A9, तो सबसे पहला नाम किसका आता है, गेट रेडी नाउ सागर भाटी, कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीत गए सैमसंग गैलेक्सी A9, जल्दी ही आप तक हो जाएगा ये डिलीवर। आप मुझे अपने छोटा सा कर लीजिए ईमेल के अंदर, आपकी ईमेल आईडी कर दीजिए इसी कमेंट के नीचे, तो आपको जल्दी ही जल्दी मैं आगे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों और जीतने के लिए यू वन कमेंट करना ना भूलें।